मेकअप लुक जो कि इवनिंग टाइम पार्टी के लिए काफ़ी अच्छी है। और मैंने आज ये ब्लैक ड्रेस पहना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ सिल्वर यूज़ किया है। आप किसी भी कलर के आई शेडो यूज़ कर सकते हैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए। और मैंने यहाँ लिपस्टिक कोरल कलर के ऑरेंज कोरल कलर यूज़ किया है जो कि काफ़ी न्यू लिपस्टिक में आती है, तो आप इसमें ब्राइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये लुक मैंने आज क्रिएट किया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये लुक पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप प्लीज़ वो रेड कलर के बटन को प्रेस करें और उसके साइड में एक बेल आइकॉन होगा उसे ही प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आप उससे नोटिफाइड रहेंगे और उस वीडियो को देख पाएंगे। एंड गाइस अगर आप लोग को ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक देखें। इससे क्या होगा, आप इसे अच्छे तरीके से स्टेप बाई स्टेप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइज फर्स्ट मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल करूँगी और आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे सिवाना का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। और मैं अपने आईब्रो के नेचुरल शेप के जैसे ही इसे फिल करूँगी, आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें इसे फिल करना है। और ऐसे ही मैं अपने दोनों आईब्रो को फिल कर लूँगी। सो गाइज मैं यहाँ पे आईब्रो फिल करने के बाद मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रो को एक नेचुरल शेप और शार्प बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और देन मैं इसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इससे हमारे आईब्रोज़ के शेप नेचुरल लगते हैं, तो इसे मैं इस तरह से पूरे ब्लेंड कर ले रही हूँ। आईब्रोज़ कम्प्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने आईलिड को प्राइम करूँगी सेम कंसीलर से और मैं इसे एज अ आई शेडो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फिंगर की हेल्प से। नेक्स्ट मैं इसे सेट करने के लिए मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे एक पाउडर ब्रश की हेल्प से सेट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ अपने आई शेडो लुक को क्रिएट करने के लिए और इसे मैं एक लंबी सी विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी कुछ इस तरह। सेम लाइनर को हम अपने दोनों आईज़ में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की यूज़ कर रही हूँ, देन मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से इसे अपने इनर वी में अप्लाई कर रही हूँ। हमें आउटर वी में अप्लाई नहीं करना है, इनर वी में ही अप्लाई करना है। कुछ ब्लैक आईलाइनर को अप्लाई करने के बाद मैं इसे यहाँ पर सिवाना के पैलेट से ब्लैक आई शेडो को वहाँ प्लेस कर दूँगी जिससे ये लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक लोकल ब्रांड की आई शेडो पैलेट से ये सिल्वर आई शेडो अप्लाई करूँगी पूरे आईलिड में जहाँ मैंने कोई आई शेडो अप्लाई नहीं किया है। मैं यहाँ पे एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। आपको जितने डिज़ायर अमाउंट में चाहिए जैसा कलर आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिल्वर यूज़ किया है, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरी अपने आईलिड में अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर SRF का ग्लिटर आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं इस सिल्वर कलर को अपने पूरे आईलिड में अप्लाई करूँगी। आप इस लुक को यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट मुझे और भी ग्लिटर चाहिए था, दैट्स व्हाई मैंने इसे यूज़ किया। आई शेडो लुक कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे एक एंगल ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिससे हमारा कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखेगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे NYB की लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एक विंग आईलाइनर क्रिएट करने के लिए और मैं यहाँ पर बहुत स्मॉल सी विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी इस तरह से। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने आईलेसेस को कर्ल करने के लिए और मैंने अपने दोनों आईज़ का मेकअप कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने फॉल्स आईलेसेस अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं अपने वाटरलाइन पे काजल के लिए स्टे कॉर्की का बैडास काजल यूज़ कर रही हूँ और गाइस ये काजल बहुत अच्छा है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, 115 रुपीज़ की आती है। और फिर मैं यहाँ पर सेम आई शेडो को अपने इनर कॉर्नर में यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पाउडर ब्रश की हेल्प से जो भी फॉल आउट हुआ है उसे अच्छे से रिमूव कर लूँगी और अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का सन एक्सपर्ट यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे NYB के कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया और ये काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट मैं इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के लिए मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ये आपको मीडियम कवरेज देगा गाइस। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, जस्ट 86 रुपीज़ की आती है, purple.com पे आप इसे ले सकते हैं। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉन्टोर करूँगी सेम स्टिक से। नेक्स्ट मैं अपने पूरे फेस को कॉन्टोर करूँगी इस तरह से और इसे मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी
और ये काफ़ी अच्छा है गाइस, 100 अंडर 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको purple.com की लिंक डिस्क्रिप्शन बुक में दे दूँगी, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ अपने अंडर आइज़ के डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और सेम कंसीलर से मैं अपने फेस को हाईलाइट भी करूँगी। और इसे मैं सेम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इस तरह से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, और इसे एक ओवल साइज शेप के ब्रश के हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक पाउडर ब्रश की हेल्प से पूरे फेस को सेट करूँगी सेम कॉम्पैक्ट से। आप अपने अंडर आइज़ को सेट करने के लिए कोई लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश के लिए मास्क का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ अपने चीक्स पे ब्लश अप्लाई करने के लिए, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, 150 रुपीज़ की जस्ट आती है। नेक्स्ट मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए सिवाना का हाइलाइटर ब्रिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता कि हाईलाइट कैसे करते हैं अपने फेस को, तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बुक में दे दूँगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि अपने फेस को हाईलाइट कैसे। सेम हाईलाइटर से मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी कुछ इस तरह से, और अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ को भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए ADS का मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और ये गाइस बहुत ही अफोर्डेबल है, जस्ट 100 रुपीज़ की आती है, और आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल सकती है। सो गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक, और ये आइस लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवनिंग टाइम पार्टी के लिए सुपर लुक है, आप गाइस देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये लिपस्टिक अपलो यूज़ की है, आप कोई भी ब्राइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले सोचा था ऑरेंज कलर यूज़ करना, बट वो कुछ ज़्यादा ही लगता है इस लुक के साथ, इसलिए मैंने वेयर नहीं किया। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब करें। तो दिस इज माय फाइनल लुक, आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।